तो हेलो गाइस, आइए देखते हैं इस वीडियो में हम सब क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अचार मतलब बना रही थी। अचार कैसे बनाते हैं तो आप सभी को इसी वीडियो में देखने को मिला। ये मैंने अचार को तड़का लगा लिया था। तो ये देखिए, इसमें ये मिर्ची उबली हुई मिर्ची है, मैंने उबाल लिया है। इसको भी कुछ बनाना है मुझे, बट यहाँ पे मैंने तड़का मार दिया था। और इसमें पड़ा है प्याज और खटाई और है यहाँ पे मतलब जीरा वगैरह जो भी मतलब सूखी धनिया पाउडर सब कुछ है यहाँ पे। तो ये अचार हम तैयार किए थे और ये सारा सामान भी आया था और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए सामान भी लाया गया था। ये दूध है, बेसन है, सूजी है और ये बड़ा वाला सिलेंडर ख़त्म हुआ तो छोटे में काम चलाए रहे थे। तो ये देखते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। ये आटा लगा रहे हैं। यहाँ पे ये खटाई है, सूखी हुई खटाई आम की, बहुत ही अच्छी लगती है। ये इसको दाल में भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं खटाई के, मतलब खटाई किस किस चीज़ में पड़ती है, बहुत सारी दाल में भी पड़ती है, अचार में भी, और जिसमें मतलब जो भी तुम्हें पसंद है उसमें डाल सकते हैं, खट्टापन कर सकते हैं। तो ये जो गांव की खटाई होती बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि पेवर होती है जो ये बेचते वगैरह, ये बहुत ही पता नहीं क्या क्या उसमें वो कर देते। तो ये अचार भी नहीं इसका अच्छा लगा, लेकिन ये इसका अचार बहुत ही टेस्टी आता है। और ये एक या दो किलो के मतलब थी तो इसमें इतना निकला था। मैंने इसको सुखाने के लिए धूप में रखने के लिए गई थी, धूप में रखेंगे क्योंकि अगर ये गीलापन रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है। और ये यहाँ पे हमने लिया है बेसन, जो मैंने बता रखा है कि मिर्च उबाली थी ना उसी के लिए मैंने बेसन गोल रही हूँ। गोल बना के बेसन का अच्छे से इसको थोड़ा सा नमक यूज करेंगे इसमें। तो हमने यहाँ पे लिया है बेसन, बेसन को हम गोल बना रहे हैं, अच्छे से इसको फेंटेंगे ताकि इसमें दाने दाने जैसे होता वो मत हो, क्योंकि वो रहेगा तो फिर तेल में बहुत ही ज़्यादा मतलब उड़ने लगता है इधर उधर, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये हमने बढ़िया फेट बना रहे हैं, अच्छे से बना ले ताकि इसको दोबारा मुझे कुछ करना ना पड़े। तो ये मैं बना रही हूँ, अच्छे से गोल रही हूँ। ये देखते जाइए, इसका बनेगा स्वादिष्ट बढ़िया पकौड़ी बनती हैं, इतनी मस्त कि आप कभी खाए नहीं होगे। तो इसी वीडियो में देखिए कैसे इजी तरीका है, मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ इजी तरीके से ताकि आप तक पहुँचे वीडियो, आप बना सकें। ये देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ, जूम करने पे ऐसा आ रहा है। तो ये देखते जाइए इसमें क्या क्या हम कर। तो मैं यहाँ पे बेसन अच्छी तरीके से फेंट लिया है और ये मिर्च भी बन रही है, अचार की मिर्ची मैं तैयार कर, दोनों चीज़ें यहाँ पे तैयार हो रही हैं क्योंकि बहुत सारे काम उस दिन थे तो मुझे करना था, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें वहीं पे कर रही हूँ। और उसमें मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं आप सभी को इजी तरीके से मतलब बनाने का तरीका। इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं पड़ी हैं और इतना मस्त अचार बन गया कि पूछो ना। तो यहाँ पे देख दोनों चीज़ें हम तैयार करेंगे, आप सब देखिएगा बढ़िया से। और ये हम चटनी के लिए टमाटर को पहले इसको थोड़ा भून लिया था गैस पे, ये थोड़ा भून लेते हैं तो उसकी चटनी जो बनाओ तो बहुत ही अच्छी बनती है, तो इसलिए मैंने इसको भून लिया था गैस पे। फिर इसको थोड़ा छिटला उतार के मैंने मिक्सी में इसको पीसने के लिए काट काट के छोटे छोटे थोड़ा पीस रख रहे हैं और इसको मिक्सी में बढ़िया पीस के हम बढ़िया से बनाएंगे। ये मेरी बहन है, मैं ही हूँ बहन ही। ये देखो मिर्ची का अचार, अचार नहीं है सॉरी, ये है पकौड़ी के लिए भरता बनाया गया था। तो ये भर रहे हैं यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे मेरा हमारा अचार जो था वो तैयार हो चुका है।
और ये मैंने सारी वीडियो में आगे आगे दिखा रही हूँ आप सभी को। और ये हम बना रहे हैं मिर्ची की पकौड़ी। तो यहाँ पे मिर्ची की पकौड़ी हमारी तैयार हो रही है, ये देखते जाओ, बहुत ही टेस्टी बनती हैं मिर्ची की पकौड़ी। तो आप सब अगर नहीं बनाए हैं तो बना के देखिएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनती हैं, दो ही तीन चीज़ मतलब लगती हैं और फटाका चीज़ बन जाती है। तो वो चीज़ इजी तरीका हुआ, तो उसको बनाने के लिए आप सब ज़रूर देखना ये वीडियो। ये देखो ये अचार मैंने डिब्बे में डाल दिया है यहाँ पे, क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा देर रखने से भी ये थोड़ा बेकार होने लगता है, तो इसलिए मैंने इसको डिब्बे में। देखो अब पहले का कलर और इस अब कलर से बहुत ही अंतर हो गया, क्योंकि थोड़ा सारे मसाले इसमें पड़ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, बट बहुत इतना टेस्टी देखने में लग रहा है। तो समझ लो यार खाने में कैसा लगेगा, बहुत ही मस्त लगेगा खाने में। तो ये हम पकौड़ी, देखो ये मैं पकौड़ी तल के निकाल ली हूँ। लोग के लिए बनने के लिए कम से कम 10 लोग थे, तो बनाया रहा था। घर फैमिली में ज़्यादा लोग तो ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आप सबके सामने एक वीडियो लाई जाए बढ़िया इजी तरीके से। टमाटर चटनी कम पड़ रही थी तो मैंने टमाटर फिर से भी भून लेते गैस पे, चटनी बहुत ज़्यादा इसके साथ अच्छी लगती है खाने में, तो इसलिए चटनी बनाने के लिए टमाटर पहले 4-5 निकाले थे और 4-5 अभी 4 हैं, क्योंकि पहले कम पड़ गए थे। इसके साथ चटनी जो मिर्च की पकौड़ी होती है इसके साथ चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैं दोबारा से कर रही थी ताकि सब लोग के लिए स्वादिष्ट पकौड़ी और अच्छे से मतलब सारी नाश्ता कर पाएँ। तो इसलिए तो ये यहाँ पे गमले में थोड़ा दूसरे पौधे लगाने के लिए हमारा भाई यहाँ पे काम कर रहा है। मिट्टी को मतलब पहले थोड़ा और पेड़ लगे हुए थे, तो अब दूसरे पेड़ लगाने के लिए ये देखो पकौड़ी भी बन रही है। मैं उसी समय सारे काम मतलब निपटाती रही हूँ। और ये देखो हमने टमाटर भून लिए है, थोड़ा जाली हो ना तो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भूनने में, बट जाली नहीं थी टूट गई थी, तो मैंने इसे गैस पे ही रख के काम चला लिया है। यही होता है इजी तरीका यही होता है। तो यहाँ पे सारी सामानें उस दिन बहुत गांव से आए हुए जो चीज़ें थी, तो यहाँ पे हमने बनाया था। आगे आगे बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाएंगे आप सभी को, ताकि आप सब अपने अपने घर में चीज़ें बनाएं और अच्छे से। तो यहाँ पे हम छिलका उतार रहे हैं, छिलका उतार लेंगे तो बहुत ही अच्छे। ऐसे मिक्सी में डालो तो मतलब ये भुना नहीं हो, कच्चा हो तो चलो ऐसे ही बिना छिलका भी चलता है, बट यहाँ पे हमने भुना था तो छिलका उतार दिया था। तो यहाँ पे ये मिर्ची भर रहे हैं बनाने के लिए, तो मैंने पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको ये वीडियो, तो दोबारा से भी दिखा रहे हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा। और ये आलू है इसमें और मिर्च है पिसी मिर्च और थोड़ा आमचूर है, क्योंकि आमचूर से थोड़ा खट्टापन आता तो इसलिए अच्छी लगती है, तो इसलिए इसमें आलू है। तीन ही चीज़ें पड़ी हैं तो इसको भरेंगे सारे। इतनी मिर्च है इतनी फैमिली में, क्योंकि काफ़ी लोग हैं हमारी फैमिली में, तो ज़्यादा सामान बनाया जाता है ताकि सब लोगों तक पहुँच सके। वैसे दो दो तीन तीन चार चार जो भी जिसको मतलब ये सब लोग बैठे हुए हैं। ये पीहू है और मम्मी है भाई है छोटे वाला, सब लोग बैठे हुए थे तभी ये सब सामानें बन रही थी। ये मैंने इसमें मेयो अचार में यहाँ पे मैंने मसाला यूज कर दिया है, तो इसलिए ब्लैक दिखने लगा है। और ये देखने में इतना टेस्टी, बना के देखिएगा
प्याज लहसुन अदरक यही सब चीज़ें डाल के इसको मतलब तड़का मारते हो। प्याज ज़्यादा और खटाई सूखी खटाई, और फिर इसको तेल डाल दो। तेल के बाद सारी चीज़ सामान्य मतलब मसाला जो भी है डाल दो। उसके बाद बनाओ, इतना मस्त लगता है खाने में कि दोबारा से मन भी करेगा आपका बनाने में। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें उस दिन बहुत ही गांव से सब लोग आए थे तो बहुत ही सारा सामान था, तो उसी दिन मैंने सोचा सारी चीज़ें बना के रख लेते हैं। अब अचार है तो ये तो दो तीन चार महीना जो भी चलेगा तो चली जाएगा, इतना चलेगा ही नहीं क्योंकि इतना बेस्ट बना है। तो ये पापा हैं, पापा उस दिन गांव से आए थे तो ये वीडियो में बना रहे थे, वो कैमरा घूम गया था पापा की तरफ। तो ये यहाँ पे देखो आलू, ये नज़दीक से दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे देखते जाइए, ये देखो मेरा भाई है, ये सब एक का मम्मी है, ये बेटी है हमारी, ये देखो इसको बहुत पसंद है ये चीज़ें, बहुत ही अच्छे तरीके से खाती है ये सब है। ये मम्मी यहाँ पे बना रही है, मम्मी बनाते गई है, सब लोग खाते गए हैं गरम गरम। और ये यहाँ में वो नमक डाल रही है, नमक डाल रही है इसमें, क्योंकि इसमें नमक जब डाला जाता है जब बनाते मतलब यहाँ पे हमें रोटी भूख लगी थी तो मुझे रोटी बनाना पड़ा, तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। ये सर ड्यूटी भी जाना था और इतना सामान सारा बन के सुबह फिर ड्यूटी वाला खाना बनता है। ये आलू हैं, उबले हुए आलू, ये उबली मिर्च है, यहाँ पे सारा बहुत सारा सामान रखा हुआ था। ये वीडियो मैंने बनाई थी तो ये चीज़ें हैं आप सभी को। ये रोटी मैं बना रही हूँ तो आप सब अगर इजी तरीके से कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको इजी तरीका मिलेगा देखने को, तो आप बना सकोगे, अपने घर में ज़्यादा सामान भी नहीं लगे, कम खर्चा, अच्छा टेस्ट पाओगे इसमें, तो इतना महंगी कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें देखिएगा वीडियो और कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना कि ये तरीका अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट शेयर करिएगा। हमारी वीडियो को लास्ट